आज बिल्कुल तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि कराची के बेशतर इलाकों में तार बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बाज़ इलाकों में रात 3-3, 4-4 बजे कुछ देर के लिए बिजली बहाल तो हुई, लेकिन एक बार फिर जो है वो बिजली की इंटरप्शन देखी जा रही है, बिजली नहीं आ रही है। इन इलाकों में गोलीमार, गुलबहार, इज्जत सोसाइटी, नाजमाबाद, सुस्मानिया कॉलोनी, नॉर्थ कराची, धोराजी, मलीर के इलाके शामिल हैं जो अभी भी बिजली से महरूम है। जबकि कलेक्ट्रिक की जानेब से कहा जा रहा है कि बिजली की बहाली का अमल बतदरीज आगे बढ़ाया जाए और जो उनकी जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। जबकि वजारत तवाना की जानेब से कहा जा रहा है कि तमाम ग्रिड स्टेशन की जो है बिजली बहाल कर दी गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची के बेशतर इलाके इस वक्त भी जो है वो बिजली से महरूम है। कुछ इलाकों में तो रात भर लाइट नहीं थी, यानी कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनको जो बिजली नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वहां पर पानी की किल्लत पैदा हो गई बल्कि जो कराची के बेशतर इलाके हैं वहां पर शहरियों ने रात जो है वो बिजली, गैस और पानी के बगैर गुजार दिए। अब जाहिर सुबह हो चुकी है, सब भी 8 बज चुके हैं, तकरीबन 9 बज रहे हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो कराची के बेशतर इलाके हैं वहां पर बिजली नहीं है। जिन इलाकों में बिजली बहाल हुई थी वहां एक दफा फिर बिजली मुअत्तल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया, सब दरबार अपडेट कर रहे थे।